हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मेडिकल अड्डा पे, जहाँ पे हम अनबॉक्स करते हैं मैजिस्टिक मेडिकल वर्ल्ड को। दोस्तों, आज मेरे पास में है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस। दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि हमारे परिवार में, फैमिली मेम्बर्स में जिनको हाइपरटेंशन की शिकायत है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है या बीपी की शिकायत रहती है, उन सभी के लिए एक मुफ्त सॉल्यूशन मैंने आज निकाला है, ये वाली मशीन। दोस्तों, ये डिजिटल अपरेटस मशीन है। इस मशीन की खासियत ये है कि अगर कोई सिक पेशेंट है या आपके घर पे कुछ कम पड़े हुए व्यक्ति भी है, हमारे जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उनको देखने में प्रॉब्लम होती है या सुनने में समझने में भी होती है, तो इसका सॉल्यूशन है ये वाली मशीन। दोस्तों, ये वाली मशीन आपको आपका ब्लड प्रेशर और पल्स बोल के बताती है कि आपका इतना सिस्टोलिक और इतना डायस्टोलिक है। तो इस बोलकर बताने वाली ब्लड प्रेशर मशीन की आज करेंगे हम अनबॉक्सिंग, और मैं दूंगा अपना टोटल रिव्यू कि ये मशीन कैसी है, क्या आपके घर में ये वाली मशीन होनी चाहिए और क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बॉक्स के अंदर में सबसे पहले हमें मिलता है दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड बीपी कफ जो कि हमारे रेस्ट में लगता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो ये है हमारा मेन बीपी अपरेटस पार्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको भी मैं रख लेता हूँ यहाँ साइड में। और एक दोस्तों, इसी के अंदर में आपको मिलेगा ये 6 वोल्ट का अडेप्टर जो कि पुराने नोकिया फ़ोन के चार्जर के जैसा लगता है। ओके फ्रेंड्स, और एक मिलती है क्विक गाइड। इसको, इस मशीन को मैं पिछले 5 से 6 महीने तक यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए वो क्विक स्टार्ट गाइड नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको रखते हैं यहाँ पे और अब देखते हैं। तो दोस्तों, इस मशीन का ओवरव्यू अगर हम देखें तो एक बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम डिवाइस ये बनाई गई है। और इस मशीन में आप यहाँ पे देखोगे, सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर जो रीडिंग हमारी डिजिटली आएगी वो सिस्टोलिक होगी, या इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, SBP। और नीचे की तरफ सेकंड अगर हम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे DIA, यानी कि ये डायस्टोलिक है। अब अगर आप जानना चाहते हैं आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, तो उसके लिए ऊपर यहाँ पे दोस्तों, ऊपर आई बटन में मैंने वीडियो लगा दी, उसमें जाइए और आप कंप्लीटली 5 मिनट के अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अच्छे से समझ सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है PUL, यानी कि ये आपकी पल्स भी बताएगी दोस्तों। और नीचे की तरफ भी ये स्टार्ट एंड ऑन बटन है दोस्तों, जब आप बीपी कफ को कनेक्ट करके इस बटन को ऑन करोगे तो ये अपनी रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा। और इसके बाद में ये जो आप देख रहे हो, गौर से देखिए दोस्तों, ये वाला बटन एक स्पेशल बटन है जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पीछे की तरफ देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है जिससे कि आपको आवाज़ आएगी और ये मशीन बोल के बताएगी। इसके अलावा यहाँ ये वाला पोर्ट जो आप देख रहे हो, इस वाले पोर्ट में ये जो बीपी कफ है, कफ का ये वाला इन्फ्लेशन वाला पार्ट, इसमें इस प्रकार से फिक्स होगा जो मैंने लगा दिया है। और इस तरफ आप जो देख रहे हो वो 6 वोल्ट का DC चार्जर लगेगा जिससे कि हमारा ये बार बार रीयूज हो जाता है। पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो इसकी ब्रांडिंग लिखी हुई है और यहाँ पे हम 4 डबल ए सेल्स भी लगा के इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो 4 डबल ए सेल्स है ये बार बार आपको चेंज करने होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसके लिए हमने एक चार्जर हमने ले लिया है, इस चार्जर की मदद से हम ये लाइफ टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं कर देता हूँ बंद और स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग की प्रोसेस को। ब्लड प्रेशर लेने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है दोस्तों। आपको ब्लड प्रेशर लेने के समय सबसे पहले अपने हाथ को इस प्रकार से फ्लेक्स करना है। बाहर की तरफ जब हाथ को करेंगे तो ये हमारी जो कोहनी वाली हड्डी होती है जिस पर लगने के बाद में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको हमें महसूस करना, और उससे 2 फिंगर ऊपर की तरफ हमारी यहाँ पे नस होती है, जैसे आम गांव की भाषा में कहते हैं कि नस होती है, वैसे आर्टरी होती है दोस्तों, ये ब्रेकियल आर्टरी होती है। उस आर्टरी के ऊपर में जो ये बीपी कफ है उसका ये वाला इन्फ्लेशन वाला पोर्ट को हमें रखना है, और उसके बाद में कफ को ज़्यादा ना तो
टाइटली बंद करना है ना ही लूज़ करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ इसको किस प्रकार से। हमारी ये कोहनी वाली है, इसे दो फिंगर ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे इसको, ये वाला पार्ट है, इसको रख देना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में इस प्रकार से आराम से इसको टाइट अच्छे से बांध लेना फर्मली, यानी कि टू फिंगर्स लेके अच्छे से चेक करना है। देखो ये फिंगर्स आराम से आ रही है और आराम से यहाँ पे अंदर जा रही है, यानी कि ये हमारा बीपी कफ है, ये ज़्यादा टाइट भी बंद नहीं है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको सिंपली इस बटन को, जो ये मशीन का बटन है, इसको प्रेस कर देना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए सुनिए, यहाँ पे रीडिंग आ गई। प्लीज कीप साइलेंट एंड रिलैक्स, कीप द कफ एट हार्ट लेवल, स्टार्ट मेजरमेंट नाउ। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है इसका, जितने रिलैक्स से हम बिना बात करें इससे अपना मेजरमेंट लेंगे उतनी ही एक्यूरेट रीडिंग हमारे पास में आएगी। Your systolic blood pressure is 124 millimeter of mercury pillar. Your diastolic blood pressure is 81 millimeter of mercury pillar. And your heart rate is 97 beats per minute. Oh my God. Okay friends, कितने आसानी से मशीन ने मुझे मात्र दो मिनट में ही अब मेरी रीडिंग बता दी है। तो ये वाली मशीन मैं रिकमेंड करूँगा जिनके परिवार में हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, जिनके परिवार में बूढ़े माँ बाप है, जिनके बार बार ब्लड प्रेशर लेने की आदत होती है, मॉर्निंग में एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग में दो बार तो दिन में ब्लड प्रेशर लेना ही होता, उनके लिए ये वाली मशीन मोटा मोटा बहुत रफली आइडिया दे देती है कि कितना इसका चेकअप है, कितना क्या है। दोस्तों, अब दोस्तों जैसे हमने हमारी रीडिंग ले ली है और अगर गलती से हमने अपनी रीडिंग को नोट करना भूल गए हैं, हमारी जो शीट होती है जिसमें हम कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो इसके लिए भी सिंपली ये है दोस्तों, ये जो हमारा माइक्रोस्कोप वाला बटन है इसको हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर इज 124 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पिलर, योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 80 millimeter of mercury. मेरा जो सिस्टोलिक है वो 124 आया था और डायस्टोलिक 80 आया था और पल्स है मेरी 89 आई थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट रीडिंग अगर हमें चेक करना है तो वो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर इज 175 millimeter of mercury pillar, योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 103 millimeter of mercury pillar. And your heart rate is 108 beats per minute. देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे मेरे फैमिली मेंबर्स में एक फैमिली मेंबर का बीपी हाई रहता है हमेशा, तो उसकी रीडिंग आप देख रहे हो 175 उसमें सिस्टोलिक आया और 103 का डायस्टोलिक आया है। तो जो उन्होंने खुद ही चेक करी और मुझे बताया है तो वो बता सकते हैं। उसके बाद में आप रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग देखिए दोस्तों, 185 उनका डायस्टोलिक था, 106। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये हर बार हर एक रीडिंग के बारे में आपको बताएगा। तो मोटा मोटी देखूं तो बहुत ही शानदार डिवाइस है दोस्तों, हर एक परिवार में, जिनके परिवार में कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या ओल्ड एज के उनके माता पिता है, उनके लिए ये वाली मशीन मैं रिकमेंड करता हूँ। और इसके साथ में और जो हमारे दूसरे बीपी ऑपरेटर्स आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सभी मशीन्स के ऊपर में, सबसे पहले ये बोलने वाली डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स मशीन, एक बिना बोलने वाली ओमरॉन की डिजिटल ऑपरेटर्स मशीन, और साथ में हमारे पास रहेगी मर्करी वाली बीपी ऑपरेटर्स मशीन, इसके अलावा एनेरॉइड मशीन भी हमारे पास में रहेगी, और उसके अलावा रहेगी हमारे पास में एक प्रेशर वाली मशीन जो कि मर्करी वाले की कॉपी है। तो दोस्तों, इन सभी पांचों मशीनों के बीच में आप देखना मेगा कंपैरिजन। तो उम्मीद है मुझे ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और इस वाली मशीन को अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके इसको परचेज कर लीजिए, बहुत ही फायदे का सौदा है। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।